हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटा सा टॉपिक है जहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। टॉपिक है सौंदर्य प्रतियोगिताएँ 2019। देखिए जितनी भी 2019 में सौंदर्य प्रतियोगिताएँ हुई हैं, चाहे उसमें आपका मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस एशिया हो, मिस इंडिया हो, मिस इंटरनेशनल हो या मिस अर्थ हो, सारे ही मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक करना है और अगर आप चाहते हैं आगे भी लगातार आपको ये वीडियोज़ मिलते रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स आपको मिल जाए, आपको कुछ भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए सारे सब्सक्रिप्शन हमारे अवेलेबल हो चुके हैं पूरी टीम के। चाहे आप किसी भी टीचर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको कोड यूज करना है सौरभ 11। ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, कोड क्या है सौरभ 11 आपको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसे दिया गया है? तो गाइज इसका सही आंसर क्या रहेगा? सिरेथोन लेरमवाट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो मिस इंटरनेशनल 2019 हुआ है ये कौन से नंबर का था? ये 59th इंटरनेशनल था। ठीक है, तो ये मिस इंटरनेशनल था, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है टोक्यो डोम सिटी हॉल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ये सिरेथोन लेरमवाट है ये किस देश की हैं? दोस्तों ये थाईलैंड से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको मिस इंटरनेशनल 2018 भी पता होना चाहिए। मिस इंटरनेशनल 2018 का खिताब किसे दिया गया था? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल मारीन वेलाजको, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये किस देश से हैं? ये वेनेजुएला से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिस इंटरनेशनल 2018 ये आप सभी को पता चल गया होगा, 58th एडिशन था और ये भी आपका कहाँ पे हुआ था? टोक्यो डोम सिटी हॉल इन टोक्यो जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन चुनी गई? इसका सही आंसर रहेगा सुमन राव, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात आती है कि मिस इंडिया जो है, फेमिना मिस इंडिया कौन सा नंबर एडिशन था? तो ये 56th वाला एडिशन था। कहाँ पे हुआ था ये? दोस्तों हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 2017 में आई थिंक ये फेमिना मिस इंडिया 2018 कौन रही थी? तो ये आपकी रही थी कौन? बिल्कुल अनुकृति वास। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 2017 में कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही, मनुषी चिल्लर जो थी वो 2017 में थी। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको याद रहेगा, वैसे 2019 और 2018 का ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मिस यूनिवर्स 2019 कौन चुनी गई? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल जोली बिनी तुंजी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात आती है कि कौन से नंबर का एडिशन था? ये 68th एडिशन था जो मिस यूनिवर्स 2019 हुआ है। अब ये किस देश के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फटाफट आंसर बता दीजिए किस देश के हैं ये। बिल्कुल ये साउथ अफ्रीका से हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर आप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बता दिया करें। तो जिन्हें ज्वाइनिंग प्रोसेस पता है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर जिनको नहीं पता है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइनें दिखेंगी कोने में, वहाँ पर 3 लाइनों पर क्लिक करना है। उसमें रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, UP SSSC या UPSC या फिर CDS, FCAT, कोई भी एग्जाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, 3, 6 या 12 मंथ का कोर्स सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
फिर आपको क्या करना है, जैसे एंटर रेफरल कोड है, उस एंटर रेफरल कोड में 1611 डालना है। इससे आपको 10% का तो डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, बाकी सारे कोर्सेज में ये एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी कोर्स परचेज करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स 2018 का किताब किसे दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर 2019 की हमने जान लिया तो 2018 का भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, कैटरियन गे इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ये आपका ग्रे रहेगा, इस पर रे की मात्रा भी है नीचे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 किसे चुना गया। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा शिवानी जाधव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मिस वर्ल्ड की, तो मनुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड रही थी। मिस वर्ल्ड 2018 में कौन रही थी ये आप मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, मिस वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वेंसा पॉन्स डी लियोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस अर्थ 2018 का किताब किसे दिया गया। बिल्कुल, देखिए मिस अर्थ 2018 का किताब गुएन फुआग खान को दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत की प्रथम महिला जिसे मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। तो सबसे पहला ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत की प्रथम महिला जिसे मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था, तो रीता फारिया इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, भारत की प्रथम महिला जिसे मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। तो भारत की प्रथम महिला जिसे मिस इंडिया का ताज पहनाया गया, इसका सही आंसर रहेगा एस्थर अब्राहम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 किसे चुना गया। ध्यान से सुनिए, मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 किसे चुना गया, इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा। बिल्कुल, चाइन हुइस मेन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये किस देश से हैं दोस्तों, ये हैं आपका स्पेन से। ये मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 ये दोस्तों कौन सा एडिशन था, ये फोर्थ एडिशन था जो हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, भारत की प्रथम महिला जिसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। भारत की प्रथम महिला जिसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, इसका आंसर आप मुझे सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत की प्रथम महिला जिसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। ठीक है, और देखिए